ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय तंतुरा में आज उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा ग्रेनाइट स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। वहीं ग्रामीणों का निशुल्क चेकअप और दवाइयों का वितरण किया गया। वहीं सरकार के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। वहीं ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को शिविर का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। ये कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। यहाँ शिविर में पहुँचने वाले मरीजों के पर्चे बनाकर उनका चेकअप कर उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं। ये अभियान फरवरी से मार्च माह तक पूरे जिले में जगह जगह चलाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह आजाद है, ब्रजवाड़ी सांसद कला केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार मथुरा। अच्छा, ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये क्या कार्यक्रम है? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एड्स कंट्रोल सोसाइटी लखनऊ के आदेश अनुसार हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा और जिलाधिकारी मथुरा जी के निर्देशन में और यहाँ जगह जगह पूरे जिले में हेल्थ कैंप लग रहे हैं और इस हेल्थ कैंपों में जो है हमारी जनमानस को निःशुल्क जाँच और निःशुल्क दवा वितरण की जा रही है। कौन कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो ये अभियान जो चल रहा है? ये अभियान में लाभ तो जो हमारी सरकार ने देखिए सबके लिए दिया है। अपने अपने घरों से निकल करके और जहाँ बूथ पर जहाँ कैंप लगता है सरकारी विद्यालयों में जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। और अगर कोई भी इसके लिए कोई ऐसी बंदी नहीं है, गरीब कोई है जो भी अपने घर से निकल कर जिसके शरीर में कोई हर्ज मर्ज है अपने जांच कराए और निःशुल्क दवा प्राप्त कराए। ये अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? ये अभियान हमारा पूरा फरवरी चल रहा है, यानी फरवरी में भी चला है और मार्च में भी चल रहा है। और जगह जगह हमारी सरकार द्वारा योजना कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है और सभी बीमारियों की जांच और दवा मुफ्त में मिलती है। अब कुंभ में भी हम लोग जाएंगे, अब कुंभ में ये सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी मोदी जी योगी जी की जो भी सरकार है, जो भी हमारी सरकारों में जो योजना कल्याणकारी योजना है, स्वास्थ्य बाकी योजना मानो चाहे और भी तमाम योजनाएं किसानों के लिए योजना है, हर जनमानस को जो योजना है सरकार की ओर से वो पूरी ईमानदारी की निष्ठा के साथ दी जा रही है और हम लोग उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं।